नमस्कार दोस्तों, बिजली की दुकान YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज किस वीडियो में हम लेकर आए हैं RR कंपनी की बिजली फिटिंग वाली वायर और होस्पर कंपनी की बिजली फिटिंग वाली वायर। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता रहता था कि दोनों कंपनियों की जो वायर है इनका जो प्राइस है लगभग सेम है, हमें कौन सी कंपनी की वायर परचेज करनी चाहिए और इनमें क्या डिफरेंस है। इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों कंपनी की जो वायर है इनके अंदर जो भी डिफरेंस है मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। दोनों कंपनी की वायर को जलाकर टेस्ट भी करने वाले हैं। इन दोनों कंपनी की वायर में से आपको कौन सी कंपनी की वायर परचेज करनी चाहिए वह भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहला जो बॉक्स है वह RR काबल यानी कि RR कंपनी की वायर वाला बॉक्स है। सुपर एक्स FR लिखा हुआ है और साथ में लिखा फ्लेम रिटार्डेंट। दूसरी जो हमारे पास वायर है होस्पर कंपनी की वायर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सुपर सेफ असली FR, उससे नीचे लिखा हुआ है जलाओ और चेक करो। अब सुरक्षा आपके बजट में। RR कंपनी की जो वायर है उसके साइड में 1 square mm लिखा हुआ है। हमारे पास यह जो वायर है 1 square mm की है, जितने स्क्वायर mm की वायर होती है बॉक्स के साइड में लिखा होता है। RR कंपनी की जो वायर है इसके कुछ एक यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मोर देन 101% कंडक्टिविटी है, 100% इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर इसके अंदर आपको मिलने वाला है, और यह जो वायर है एंटी रोडेंट है और एंटी टर्मिट है, और उससे आगे लिखा है हायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, और यह ISI मार्का है। अब हम बात कर लेते हैं होस्पर कंपनी वाली जो वायर है उसके बारे में, और यह भी ISI मार्का है और यह HR FR है जो कि 100% मोर हीट रेजिस्टेंस है, और यह जो वायर है HIR है यानी कि हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। यह जो वायर है यह भी एंटी टर्मिट एंड एंटी रोडेंट है, और यह जो वायर है मोर देन 99.95% बार कॉपर कंडक्टर है, और यह जो वायर है इंस्पायर्ड बाय जर्मन टेक्नोलॉजी है। कुछ एक जो पॉइंट थे वह हमने आपको बता दिए हैं। अब आप इनके बॉक्स की पैकिंग देख सकते हैं। हमारे पास ये जो दोनों कंपनी की वायर है दोनों ही 1 square mm की वायर है। दोनों कंपनियों के बॉक्स की पैकिंग भी आपको एकदम बेस्ट मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कूपन के बारे में। जैसे आप RR कंपनी की वायर है उसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो साइड में यहाँ पर आपको 10 रुपये का कूपन मिलने वाला है। ये स्पेशल मिस्त्रियों के लिए होता है जो कि RR कनेक्ट के नाम से जो ऐप है उसके अंदर आपको ये रिडीम करना होता है। होस्पर कंपनी वाली जो वायर है उसके बॉक्स के अंदर आपको 30 रुपये का कूपन मिलने वाला है। यह मिस्त्रियों के लिए होता है। जिस भी दुकान के ऊपर होस्पर कंपनी के वायर सेल होती है वहां से आप कैश 30 रुपये ले सकते हैं इस कूपन को देकर। दोनों कंपनी की वायर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। अब आप सामने देख सकते हैं RR कंपनी वाली जो वायर है वह साइड में आपको यहाँ पर पॉलिथीन देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह की पैकिंग आपको इस वायर की मिलने वाली है। वायर के ऊपर कंपनी का नाम और कितने स्क्वायर मीटर की यह वायर है यह लिखा होता है। दूसरी आप देख सकते हैं होस्पर कंपनी वाली जो वायर है यह इसकी पैकिंग आपको इस तरह की मिलने वाली है। वायर के ऊपर कंपनी का नाम और कितने स्क्वायर मीटर की यह वायर है यह सब कुछ लिखा होता है। RR कंपनी की जो वायर है वह क्लास 2 के अंदर है, और जो होस्पर कंपनी की वायर वह भी क्लास 2 के अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास यह RR कंपनी की वायर है उसका टुकड़ा है। इसके अंदर आप कॉपर देख सकते हैं। जो कॉपर की आपको वायर मिलने वाली है वह आप खुद गिन सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी 14 वायर मिलने वाली है। हमारे पास यह 1 square mm की वायर है, और 1 square mm की वायर के अंदर 14 वायर होती है 0.3 साइज की। दूसरी हमारे पास होस्पर कंपनी की वायर है, यह भी 1 square mm की वायर है। इसके अंदर भी आप वायर अलग अलग गिन सकते हैं। यह जो वायर है आपको पूरी 14 वायर मिलने वाली है 0.3 साइज की। दोनों कंपनियों की जो वायर है इनका आप कॉपर देख सकते हैं। कॉपर आपको एकदम इनका सेम मिलने वाला है, यानी कि दोस्तों सामने आप देखेंगे कॉपर की जो क्वालिटी है, कॉपर का जो गेज है वह एकदम सेम है। यानी दोस्तों कॉपर के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस इनके अंदर नहीं मिलने वाला। अब हम इन दोनों कंपनी के जो वायर इनकी जो PVC है उसको जलाकर टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं RR कंपनी की जो वायर है वह है। तो हमारे पास एक लाइटर है, लाइटर को हम ऑन कर लेते हैं, और लाइटर के ऊपर हम ये जो वायर है इसको कर लेते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं हमारे पास ये जो RR कंपनी की जो वायर है इसको जो PVC वह आग पकड़ रही है, सामने आप देख सकते हैं, परंतु आग आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, जहाँ पर आग लगी हुई है वहीं तक ही सीमित है, और इसकी जो PVC वह काली भी हो गई है। अब हम दूसरी हमारे पास जो होस्पर कंपनी की जो वायर है उसको ले लेते हैं, और उसको भी हम जलाकर टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये लाइटर है, इसको हमने ऑन कर दिया है, और इस वायर को हमने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब आप सामने देख सकते हैं कि होस्पर कंपनी वाली जो वायर है उसकी जो PVC है वह आग नहीं पकड़ रही है, और न ही वह काली हो रही है। अब हम इन दोनों कंपनी की जो वायर है इनको इकट्ठा जलाकर टेस्ट करते हैं। अब दोनों जो वायर हैं वह हमने आग के ऊपर की हुई है।
अब आप सामने खुद देख पाएंगे कि यह कौन सी जलेगी या कौन सी नहीं जलेगी, सामने आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, होस्पर कंपनी वाली जो वायर है इसके पीवीसी के ऊपर हल्का आपको काले रंग का निशान दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ ओनली धुएं का, जो कि आरआर कंपनी की जो वायर उससे निकला हुआ है। होस्पर कंपनी की जो वायर है उसकी पीवीसी नहीं जली है, और परंतु आप आरआर कंपनी की जो वायर है इसकी पीवीसी देख सकते हैं, इसकी जो पीवीसी है वह जल चुकी है। कॉपर के मामले में इन दोनों कंपनी की जो वायर है एकदम सही है, दोनों का कॉपर एकदम बेस्ट है, सेम है। परंतु पीवीसी की हम बात करते हैं तो पीवीसी के अंदर आप खुद अंतर देख सकते हैं, होस्पर कंपनी वाली जो वायर है पीवीसी के अंदर जीत चुकी है, क्योंकि इसकी जो पीवीसी है वह आग नहीं पकड़ रही है, परंतु आरआर कंपनी वाली जो वायर है वह आग पकड़ रही है, परंतु आगे की तरफ आग को नहीं बढ़ा रही है। दोस्तों दोनों ही कंपनी टॉप कंपनी है, होस्पर कंपनी भी बड़ी कंपनी है और आरआर कंपनी भी बड़ी कंपनी है। आरआर कंपनी की भी वायर अनेक प्रकार की आती है, आरआर कंपनी की वायर भी एक ऐसी आती है जिसकी पीवीसी नहीं जलती है, जिसको हम फायर एक्स वायर बोलते हैं, परंतु जो उसका रेट होता है वह 15-20% ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो कंपेरिजन करने का मतलब यह था कि आरआर सुपर एक्स जो वायर आती है उसके सेम रेट के अंदर कौन सी वायर है जिसकी पीवीसी नहीं जलती है। यदि आप आरआर कंपनी की वायर बिजली फिटिंग के अंदर लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों आरआर कंपनी की आप सुपर एक्स एफआर वाली यह वायर लगवा सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी की है। यदि आप चाहते हैं कि हमें ऐसी वायर लगानी जिसकी पीवीसी ना जले तो आप फायर एक्स वाली भी लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सुपर एक्स जो वायर आती है आरआर की इसके सेम रेट के अंदर आपको कोई अलग कंपनी की वायर चाहिए जिसकी पीवीसी ना जले और रेट में भी आपको सस्ती लगे, तो आप होस्पर कंपनी की जो वायर है वह बिजली फिटिंग के अंदर लगा सकते हैं। होस्पर कंपनी की यह जो वायर है इसका जो प्राइस है आरआर कंपनी की जो हमारे पास ये सुपर एक्स वायर है इससे भी 4-5% कम है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन जो डिफरेंस था वह सब कुछ बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी कंपनी की वायर लगवानी चाहिए। इन वायरों को हम पीवीसी इंसुलेटेड इंडस्ट्रियल केबल मल्टी स्टैंड बोलते हैं, जो कि सिंगल कोर के अंदर आती है। बिजली फिटिंग के अंदर जो हम वायर यूज़ करते हैं 0.25 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, सभी साइज की सभी कलर्स की इन दोनों कंपनियों की वायर आती है।